जी हाँ दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला जी का वो सोने का लॉकेट जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला जी की ये आखिरी निशानी सिद्धू की माँ चरण कौर जी के पास है और अक्सर वो संडे के दिन अपने गले में पहनती हैं। क्या है खबर बताएंगे इस वीडियो के अंदर, एक एक डिटेल दिखाएंगे वो लॉकेट और उसकी कीमत किस प्रकार से 10 करोड़ बताई जा रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। किस प्रकार से इस लॉकेट के अंदर जो है हथियारों का सबूत छुपा हुआ है, सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या का सबूत छुपा हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यूं तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाले जी की माँ चरण कौर जी को अक्सर फैंस दूर दूर से ही ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी जो है तोहफे लेकर आते हैं, कार से लेकर कूलर, कूलर से लेकर चैन और चैन से लेकर आपको बता दें अंगूठी तक सिद्धू की माँ चरण कौर जी और पिता बलकौर सिंह जी को सम्मान नित करने के लिए जो है हमेशा दूर दूर से आकर देते हैं और सम्मान के तौर पर उन्हें दिया जाता है, वो भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं ताकि फैंस का दिल ना टूटे। जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला जी गिफ्टों को संजो कर रखते थे, संभाल कर रखते थे फैंस के द्वारा दिया गया, उसी प्रकार से सिद्धू की माँ और पिता दोनों ही मिलकर जो है फैंस के दिए हुए उन तोहफों को, अनमोल तोहफों को संभाल कर रखती हैं। ऐसे में एक लॉकेट जो है, एक चैन जो है सिद्धू मूसेवाला जी का, वो सामने आया है जो कि पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस वक्त। आगे हम आपको वो सिद्धू मूसेवाला जी का चैन दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि गोल्डी बरार ने जो कारनामा किया है, जो इंटरव्यू दिया और जिस इंटरव्यू में उसने हामी भरी है एक बार फिर से कि हाँ ने मरवाया सिद्धू मूसेवाला जी को और उसे सजा के तौर पर जो है उसने मारा है क्योंकि सरकार ने इंसाफ नहीं किया और वो अपने आप को जो है कानून मानता है, कानून अपने हाथ में ले रहा है और आपको बता दे उसी की अदालत, उसी की सजा होती है। और गोल्डी बरार ने जो है सजा दी है सिद्धू मूसेवाला जी को, ये हम नहीं बल्कि गोल्डी बरार स्वयं कह रहा है और खुलेआम कह रहा है, डंके की चोट पर कह रहा है और कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर पा रहा है। ना तो आपको बता दे गोल्डी बरार के इंटरव्यू के बाद जो है कोई एक्शन लिया गया सरकार के द्वारा और ना ही जो है उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हमारा नहीं, सिद्धू की माँ चरण कौर और पिता बलकौर सिंह जी का संडे स्पीच में कहना था, वो काफी ज्यादा भावुक हो गए ये कहते हुए कि एक साल से ऊपर बीत गया, एक साल एक महीना हो गया और मेरे बेटे को अब तक जस्टिस नहीं मिला है। जस्टिस कहाँ है, हत्यारे आते हैं इंटरव्यू देकर जाते हैं, उनका इंटरव्यू भी लिया जाता है लेकिन हमारे पास कोई नहीं आता हमारा इंटरव्यू लेने, ना हमारी बातों को सुना जाता है। हम जब अपनी बातों को सुनाने के लिए जाते हैं तो हमें फटकार लगाकर जो है 5-5 घंटे तक बाहर इंतजार कराया जाता है, उसके बावजूद भी हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। आपको बता दें सिद्धू की माँ चरण कौर जी अपने बेटे सिद्धू मूसेवाला जी का एक चैन है जो करोड़ों रुपए की बताई जा रही है, जो हमेशा वो संडे के दिन पहनती है। वहीं लास्ट टाइम में भी 29 मई को जो है सिद्धू मूसेवाला जी ने उस चैन को पहना हुआ था और जिस वक्त उन पर गोलियां चली उस चैन के ऊपर जो है खून के निशान भी मिले जो कि सिद्धू की माँ चरण कौर जी ने संभाल कर रखा हुआ है। वहीं पिता बलकौर सिंह जी और सिद्धू की माँ चरण कौर जी ने यह ऐलान किया है कि अगर मेरे बेटे को इंसाफ और ज्यादा मिलने में देरी हुई तो हम उस थार को जिस पर गोलियों से छलनी हुई पड़ी है थार, उस थार में बैठकर जो है हम फिर से कैंडल मार्च निकालेंगे और ये सरकार के लिए शर्मनाक होगा। हम एक साल से शांतिपूर्ण ढंग से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं लेकिन मेरे बेटे को जस्टिस नहीं मिला है। वहीं इसी बीच एक और खुशखबरी जो है सिद्धू मूसेवाला जी के फैंस को लेकर सामने आई है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट दोस्तों। इसी हफ्ते मेरा ना सॉन्ग के अलावा जो है इसी हफ्ते एक और गाना रिलीज होने को जा रहा है जिसका पोस्टर आप ठीक स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है पोस्टर ऑफ सिद्धू मूसेवाला एंड डिवाइंस न्यू सॉन्ग चोरनी रिलीज्ड, सॉन्ग विल बी रिलीज्ड इन दिस वीक। आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला जी का ये गाना जो है बहुत ही खूबसूरत होने वाला है एक बार फिर से और फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। कोलैब में ये गाना जो है आप सभी को देखने को मिलेगा, डिवाइन नाम है सिंगर का, रैपर का, जो कि सिद्धू मूसेवाला संग जो है कोलैब के अंदर ये गाना ला रहे हैं जिसके लिए फैंस ट्विटर पर लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है इस वक्त। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिद्धू मूसेवाला जी को एक साल हो गया है, एक साल से ऊपर हो गया है उनकी हत्या को, लेकिन हत्यारों के लगातार इंटरव्यूज आ रहे हैं लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी को अब तक इंसाफ जो है नहीं मिला है। इतनी देरी हो रही है, सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, क्या है आपकी राय इसे लेकर जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि इसी बीच एक और खबर सामने आई है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, वो यही आई है कि उसे आने वाले महीने में जो है उसे अंडमान निकोबार जेल में जाना पड़ सकता है और वहां की सजा जो है आपको बता दें काला पानी की सजा बताई जा रही है जो कि जिसमें 25 गैंगस्टरों में जो है
लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी बताया जा रहा है शामिल है और उसे वहां भेजा जाएगा। फिलहाल के लिए लॉरेंस बिश्नोई जो है इस वक्त दिल्ली जेल में कैद है और दिल्ली से उसे अंडमान निकोबार भेजा जा सकता है जेल में, जहां पर काले पानी की काल कोठरी के अंदर जो है उसे कैद रहना होगा। क्योंकि आने वाले वक्त में भी ये पता चल ही जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई को काला पानी की सजा होती है कि नहीं, लेकिन अभी खबर सामने आई है कि कई गैंगस्टरों में नाम जो है लॉरेंस बिश्नोई का भी है। अगर होता है तो सिद्धू के माता और पिता के लिए काफी बड़ी खुशखबरी हो सकती है ये, और सिद्धू के फैंस के लिए भी। वेल, आपकी क्या है राय जरूर बताइएगा सिद्धू मूसेवाला जी के जस्टिस को लेकर, जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।